जरा सुनिएगा और समझिएगा। अब आप देखिए MBS कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। और उन्होंने ये भी बोला जो वहां से मुसलमान या कोई भी यहाँ से आए, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पे नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है जो इस जमीन को यूज करके मतलब विच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या डू स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MBS साहब का बयान है कि थाना सदर खारिया गुजरात उसे टेक ओवर कर लिया है ख्वाजा सराओं ने। 30-40 ख्वाजा सरा वहां पर जाते हैं और पुलिस को जाकर उन्होंने पेला है। तोबा। इतना तगड़ा पुलिस को पेला है कि पुलिस भावलनगर वाक्य भूल गई है। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन फलस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इसराइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है, दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU2 में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। इट इज ओनली वन लीडर कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो सकता है इसी साल में। दरअसल वो ये कह रहे हैं और सऊदी अरब भी यही कह रहा है, इसराइल को तस्लीम करें। लोगों को प्रायोरिटी देता है वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अब खबर ये कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में पड़ गई है दरार, कंगाल पाकिस्तान पर चालबाज चीन भड़क गया है। चीन ने पाकिस्तान से अपना बकाया 550 अरब रुपए मांग लिए हैं। अगर मैम हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं। और एक बात और, IMF ये कह रहा है, IMF ने आपको जो जंग ज़दा ममालिक है ना 5, उनकी फेरिस्त में शामिल किया है। किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा अहम होती है, ना सिर्फ इंटरनल मैटर के लिए बल्कि एक्सटर्नल मैटर के लिए भी। डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि जब आप इजराइल के साथ बैठते हैं, ठीक है, जब आप इजराइल के साथ बैठेंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड में एक साइलेंट गुस्सा है। उधर ईरान जो है ऑलरेडी हैविंग प्रॉब्लम, बेसिकली ईरान की तो सारी की सारी लड़ाई इजराइल के साथ है। सो डोंट यू थिंक, जब ईरान न्यूक्लियर डील की बात भी इस जगह पे होनी है, डोंट यू थिंक के इंडिया डजंट हैव दैट वेटेज और मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड कैन समवेयर गेट अनॉयड विद इंडिया। रिसेंटली जो नूपुर शर्मा का वाक्य आया, तो आप इसको इस एंगल से कैसे देखते हैं चीजों को? डज दिस हैव एनी काइंड ऑफ, ये कोई क्वेश्चन बनता है आपके लिए? बिकॉज ये जो मुसलमान UAE और मिडल ईस्ट में थे उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था जब इसराइल की रिकग्निशन का आया था। और इंडिया भी फॉर लॉन्ग इसराइल के साथ बड़ा करीब नहीं होता था। द रीजन बिहाइंड वॉज के इंडिया अपनी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडियन लीडरशिप उनसे डरती थी। बट आप तो बड़ा खुल खुला के आ गए, तो आप इस एंगल को किस तरह देखते हैं? हमने इसराइल कैसे देखी, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ना, वो पाकिस्तान को देख के चलती, ना मुसलमान कंट्री को देख के चलती, ना चाइना को देख के चलती, ना यूनाइटेड स्टेट्स को देख के चलती। हमारे इंटरेस्ट में क्या, आप जानते हैं चीमा साहब कि एक टाइम में इसराइल वाज अवर नंबर वन आप सप्लायर। अब ये रिलेशन को छुपा हुआ नहीं है, किसे छुपा हुआ नहीं, 45 साल से दुनिया को दिखाते हुए, बताते हुए, सबको समझाते हुए और सबको साथ लेकर चलते हुए हम ये रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। आप जानते हैं यहाँ कितने इसराइल रहते हैं। अब आप देखिए MBS, अभी मैंने कल कहीं पढ़ा था कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। और उन्होंने ये भी बोला जो वहां से मुसलमान या कोई भी यहाँ से आए, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पे नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है जो इस जमीन को यूज करके मतलब विच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या डू स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MBS साहब का बयान है कल। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन फलस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इसराइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है, दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU2 में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। इट इज ओनली वन लीडर
who has 360 degree present in all kind and types of forums in the world. ये एक advantage है. अब मजे की बात यह है चीमा साहब, एक और एंगल आपको बताऊं थोड़ा हटके से. दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में नहीं है, नहीं है. बेंजामिन नेतन्याहू साहब हट गए, शिंजो आबे साहब पोत हो गए, ठीक है सर. एंजेला मर्कर सत्ता में नहीं है, बोरिस जॉन साहब साहब की कुर्सी निकल गई. एक टाइम में जो पांच बड़े लीडर डेमोक्रेसीज में माने जाते थे, या डोनाल्ड ट्रंप साहब, खैर ये तो पता ही कहने की बात ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट द पावर. ये जो पांच लीडरों की फोटो हर जगह आती थी, उनमें केवल मोदी जी टिके, बाकी सब आर इधर आउट ऑफ पावर और अनफॉर्चुनेटली हैव. शिंजो आबे साहब तो खैर वो तो मर्डर ही था, हमने बात की थी उस पर. कि तजिया कार और मुबस्सरीन एक राय कायम कर रहे हैं IMF के इस रवैये से कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो सकता है इसी साल में. देखिए, अगर तो आप एहतियात से काम लेते हैं, जरूरी इकदाम कर लेते हैं, मसलन इम्पोर्ट्स कम कर देते हैं, इसलिए कि वो एक दो महीने के बाद कर दें, अब जो होना था वो तो हो ही चुका है. दरामदाद में बहुत गुंजाइश है, जो शायद तायुश हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत मोबाइल हैं, चंद हफ्तों के लिए करना है, वो कोई ये मुस्तकिल तौर पे थोड़ी करना है. $5-6 billion के हम मोबाइल मंगवा चुके हैं, और $6 billion के मोबाइल और कीमती गाड़ियां दोनों मिला के, तो उसकी क्या जरूरत है. अगर एहतियात से काम लें तो डिफॉल्ट का नहीं होगा, लेकिन असल खतरा किसी और जगह से है. अच्छा, खतरा ये है, वो जो कह रहे हैं ना IMF वाले, वो ये इस बात का कोई एतबार नहीं है कि कब वो मुआहदा होगा, इसलिए कि पसे पर्दा बहुत सी चीजें हो रही हैं. मैंने आपसे पहले दिन ही अर्ज कर दिया था कि मुफ्ता साहब पता नहीं क्यों खुशगुमान है इतने, वो तो अभी स्टाफ की सतह पे मीटिंगें होंगी और बहुत सी चीजें होंगी. मसलन IMF ये कहती है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके एसेट्स डिक्लेयर करें, और ज़ाहिर है डिक्लेरेशन से मुराद ये कागजी कार्रवाई नहीं है, वो कहेंगे जी कि प्रॉपर करें इसको और इसकी तस्दीक होनी चाहिए. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो काबिल फहम भी है, और अरसे से ये किस्सा चल रहा है, दरअसल वो ये कह रहे हैं और सऊदी अरब भी यही कह रहा है, इसराइल को तस्लीम करें. अगर आप आज इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो ये सारी बातें जो ये सानवी इनकी हैसियत हो जाएगी. ये असल में फिजा खुद शहबाज शरीफ साहब ने और ख्वाजा आसफ वगैरह ने हमबार किया, ये कह के कि हम बड़े मजबूर हैं, हमारे हालात बड़े खराब हैं, और बैगर्स का कोई चॉइस नहीं होता और भीख मांगनी पड़ रही है. ये अगर एक आदमी कमजोर भी हो, पोजीशन ऑफ वीकनेस से मुजाकरात नहीं किए जाते, कि घबराहट में मुसीबत में घबराहट एक दूसरी मुसीबत है. जब आप घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, जो कर चुकी है हुकूमत, वो तो अमेरिका के मुकाबले में तो कर ही चुकी है, इमरान खान के मुकाबले में पैनिक कर गए हैं. मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी. कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को, वो रियासत को, वो बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले. मेरे घर में मोटर चलाए बगैर पानी नहीं आता, रियासत मुझे टूटी खोल के अपने आप मेरे घर में पानी नहीं आ सकता. ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपने रियासत में रहने वाले बशिंदों को पानी दूं. ये किसकी जिम्मेदारी है? पाकिस्तानी जो गरीब यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं, कतर देख ले, कुवैत देख ले, सऊदी अरब देख ले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देख ले, सर उनके जेलों में बंद है. हमारी कौमियत, हमारी नेशनलिज्म कहाँ दम तोड़ जाती है कि जो भी वजीर आजम बनते, कश्मीर की आप बात करते हो, आप अपने पाकिस्तानियों की बात नहीं करते. वो जो बात आपने पहले करी थी वो बात बिल्कुल सच है, नेशन टू नेशन चलना है. मजहब का एक अपना वैल्यू है, मजहब का अपना एक वैल्यू है, दुनिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपनी जगह मौजूद है. तो जो मतलब अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला. शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं. कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं. अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं. फैसले करने के लिए एक इंटरनल पार चाहिए होती है, आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए. तो कौम के हीरो बनने के लिए कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ते हैं. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.